बैंक में आया था तब बैंक मुझे ये बताया था सुबह कुछ किसान लोग मेरे से मिले थे इस बैंक के, हम लोग बैंक में काफी लंबी लाइन है, पैसा मिल नहीं पा रहा है, तो हम लोग उसके कारण आज मिलने गए थे। मैंने मैनेजर साहब से बात की, उनका कहना पड़ा सर हम लोगों ने 3 अलग अलग लाइन लगा दी, 500 रुपये की जो महिलाओं को जो पैसा मिलता है उनको 500 रुपये, खातेदारों को अलग लाइन लगा दी, रोज की किसानों के लेन देन वालों की अलग लाइन लगा दी, और जो बीमा पैसा प्राप्त हुआ बीमा के लिए अलग तो 3-3 लाइन लगा दी। भीड़ जरूर लग रही, दो हमारा काउंटर चालू है, कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से किसानों को कम से कम परेशानी हो रही, उनको हम पैसा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो प्रमाण पत्र दिए गए थे वो मान्य नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? वो मान्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को 10 बार माफ करना पड़ेगा, किया गया है। सरकार ने अपने खाते से पैसा दिया था, जो भी सरकार का मुखिया होता है शिवराज सिंह जी, अगर इनने कोई कार्ययोजना प्रारंभ की है, इन्होंने ऋण किसी भी योजना का पैसा दिया तो उसको माफ करना पड़ेगा, उनको योजना को मूर्त रूप देना पड़ेगा। तो माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों के 1 लाख रुपये तक के कर्ज के माफ किए थे, उनके प्रमाण पत्र दे दिए थे, तो उनको पैसा देना ही, इनको आज नहीं कल दें। हाँ, ये कोरोना काल में निश्चित रूप से भीड़ तो बड़ी हुई है, लेकिन इसमें हमने इंश्योरेंस जो प्रीमियम बीमा जो क्लेम हमको रिसीव हुआ है उसको वितरित करने के लिए विलेज वाइज एक रोस्टर बना दिया है, और बाकी 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ जो आया हुआ है उसके लिए भी हमने बकायदा एक टोकन सिस्टम चालू किया है, और उस टोकन सिस्टम के थ्रू हम पूरा क्राउड मैनेजमेंट करके कस्टमर को अधिक से अधिक सेवाएँ मुहैया करा रहे हैं। अच्छा, जो कियोस है उन पे क्या व्यवस्था है? हाँ, कियोस में जो थंब इंप्रेशन और बायोमेट्रिक अपना ट्रांजेक्शन है वो सारा का सारा डाइवर्ट हमने कर दिया कियोस सेंटर पे, और यहाँ पे वर्तमान में अपने 3 तो लोकल में ही चालू है, और बाकी नजरपुर में, एक जलवा में और दौलतपुर में भी अपना कियोस सेंटर चालू है। अच्छा, स्टाफ की छुट्टी के बारे में? नहीं सर, स्टाफ पूरे लॉकडाउन में पूरा स्टाफ हमारा जो है भरपूर एकदम तारतम्य से जुड़ा हुआ है, और कोई भी स्टाफ अभी छुट्टी में नहीं है, पूरे लॉकडाउन में हमारे भरपूर स्टाफ के साथ में पूरी बैंक के समय हमने चालू रखी है।